मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद? हम योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं क्योंकि उनकी सत्ता हमें बहुत अच्छी लगती है। नीतीश कुमार पलटू राम इधर कभी पलट जाता है कभी उधर पलट जाता है, वो पलटू सलटू नहीं चाहिए। सही है, अब अगर उनको अगर अब सेंट्रल लेवल पे उन्हें अगर पीएम के लिए खड़ा होना है उन्हें, नीतीश कुमार को ये देखना चाहेंगे कि जो भी बेस्ट होगा वही सही होगा सबके लिए, मींस कि अगर यहाँ पे जॉब्स वगैरह जो एफर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का हमें उनकी सत्ता से कोई मतलब नहीं है, मगर उनकी जो अल्टी पल्टी का खेल है वो हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ, तेजस्वी नवयुवक है, उनको सौंप देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। अभी हम बात करेंगे कुछ युवाओं से जिन्हें क्या नीतीश कुमार को तेजस्वी जी को सत्ता सौंप देनी चाहिए सीएम के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, वो किसे देखना पसंद करेंगे। आइए कुछ स्टूडेंट, कुछ युवाओं और कुछ लोगों से जानते हैं और आपको बताते हैं। आइए कुछ लड़कियों से जानते हैं कि वो सीएम के पद पे किसे देखना चाहती हैं। ये हम सीएम के पद पे नीतीश कुमार जी को ही देखना चाहते हैं क्योंकि उनका काम हमें सबको पसंद है, अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि वो आगे भी उतना ही अच्छे से काम करेंगे। तो नीतीश कुमार जी को जो अपना पद है, वो कार्यभार है, वो तेजस्वी जी को नहीं देना चाहिए? जी, मुझे मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, वो अच्छे से संभाल रहे हैं और आगे भी संभाल लेंगे, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि नीतीश कुमार जी अगर अपना सारा काम भार अगर तेजस्वी यादव जी पर डालना चाहते हैं तो सही ही है, अब अगर उनको अगर अब सेंट्रल लेवल पे उन्हें अगर पीएम के लिए खड़ा होना है उन्हें तो अपना उस पर ध्यान दें। अगर उस लेवल पर अगर वो जीत जाते हैं, उस लेवल के लिए अब सोच रहे हैं तो उसी लेवल के हिसाब से करें। अब यहाँ के लिए उनको तेजस्वी यादव जी पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने हिसाब से देखेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, मेरे हिसाब से तो यही है। आपके हिसाब से तेजस्वी यादव परफेक्ट है सीएम के पद के लिए? अभी वही हैं, अभी अगर माना जाए तो अभी वही हैं, उनके अलावा अभी और तो अभी क्योंकि अब सीएम के पद पे लिए अभी चुनाव होगा तो उसके आगे देखा जाएगा ना कि अब कौन से, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है हैव डिफिशियंसी ऑफ कैंडिडेट इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, वी हैव डिफिशियंसी ऑफ कैंडिडेट एंड वी डोंट सी अदर पर्सन हु इज परफेक्ट फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, दैट्स राइट, दैट्स द प्रॉब्लम। एंड एक्चुअली तेजस्वी जी जो है अभी तो वो आए हैं तो हम लोग को तो उतना पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, जब हमें पता चलेगा तो तब हम लोग का माइंड ये आपके अकॉर्डिंग मतलब उनको एक चांस सीएम के पद के लिए देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए उनको, ज़रूर देना चाहिए क्योंकि अभी हमें बिल्कुल पता नहीं है, वो भी खड़े भी नहीं है अभी तो, उनको हम सीएम के तौर पे देखे नहीं है तो उनको देखेंगे उनका क्या, उन्होंने क्या काम किया उसके हिसाब से आगे बताएंगे कि हाँ उनको रखना है या नहीं रखना है, उनको एक बार तो होना चाहिए, ये है हमारा। हाँ, मेरे हिसाब से भी जिससे हमें पता भी चलेगा कि वो सही है हमारे लिए या मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें हम वोट दें या ना दें, उनके कार्यों से तो हमें पता चलेगा ना। देखिए, जो भी बेस्ट होगा वही सही होगा सबके लिए, मींस कि अगर यहाँ पे जॉब्स वगैरह जो एफर्ट करवाएं क्योंकि स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई कर लेते फिर भी ऐसे ही बैठे रह जा रहे, तो ऑफ़ कोर्स जॉब की सबसे ज़्यादा नीड है, स्टूडेंट है, एज आप भी स्टूडेंट हम भी स्टूडेंट हैं तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं कि आगे जॉब मिल, बट वैसा कुछ अभी दिख नहीं रहा, एज नीतीश जी हैं तो भी अब ऐसा सरकार आना चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को भी प्रॉफिट, क्योंकि यूथ ज़्यादा ज़रूरी है, अभी की यूथ अच्छी रहेगी तो फिर ज़्यादा बाहर फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, तो हम सपोर्ट करेंगे कि एक बार चांस सबको मिलनी चाहिए। तो तेजस्वी चाहती हैं कि तेजस्वी जी को चांस मिलना चाहिए, नीतीश जी को अपना कार्यभार सौंप देने चाहिए तेजस्वी जी को, अब तो सौंप देना चाहिए, ऐसे भी वो लोग तो एक पार्टीज में आ चुके हैं, अब एक साथ कंबाइन हो गए तो थोड़ा तो बनता है कि अब उनको भी थोड़ा चांस देने चाहिए, एक चांस उन्हें भी मिलना चाहिए जो हैं तो अपना थोड़ा वो भी देख ले, वो इतने दिन से कर लिया, थोड़ा चांस उनको मिलेगा तो हम लोग भी जान सकते हैं कि आगे क्या हो रहा है। सबसे बेस्ट है कि यूथ को सबसे ज़्यादा जॉब्स वगैरह मिलना चाहिए, हमारा एजुकेशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और जो भी गरीब वगैरह उन्हें भी थोड़ा अच्छा हेल्प मिल रहा है बस। नीतीश कुमार को तेजस्वी जी को अपना कार्यभार सौंप देने चाहिए? हाँ, तेजस्वी नवयुवक है, उनको सौंप देना चाहिए, अब नीतीश जी समझेंगे ना कि हम काम करेंगे या न करेंगे तो उनका चीज़ है। सीएम के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? तेजस्वी युवा है, सीएम राजनीति में युवा को आना चाहिए, मौका देना चाहिए। आपके अनुसार सीएम तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए?
ऐसा क्यों, मतलब क्या आपको उनमें क्या अलग लग रहा है, क्या लग रहा है कि वो काम करेंगे? देखिए ऐसे नीतीश जी परिपक्व नेता हैं, विकास किए हैं, कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ भी किए हैं जो गलत भी है, लेकिन अब सुन रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ेंगे तो उनका जो जगह रिक्त होगा, तभी जो महागठबंधन में जो भी लोग हैं तो उसे तेजस्वी उपयुक्त है, उसको सौंप के अपना ही लड़े, जो करना है करें। मेरा तरफ से ही तेजस्वी जी का सीएम रहना से ठीक रहेगा, बिहार का राजनीति जो है सो नवयुवक लेकर हैं और उस चलाने लेके हैं। नीतीश कुमार पलटू राम इधर कभी पलट जाता है, कभी उधर पलट जाता है, वो पलटू सलटू नहीं चाहिए। और जो है सो तेजस्वी से ही राजपाट चल जाएगा, जो 50 साल के वादा किया कि 50 साल हम बिहार के सीएम रहेंगे, 50 साल वही सीएम रहेगा, दूसरा अलावे कोई नहीं रह पाएगा। नीतीश कुमार का अब झोड़ी यहाँ बिहार से भी बना रहा है, बीजेपी तो बनाइए गया है लेकिन नीतीश कुमार का भी बना गया है, मान के चलिए 90% बना गया है, 10% उसको बचा हुआ है। बाकी बात जो है सो हम लोग का बिहार में शिक्षित का एथी में शराबबंदी, बालूबंदी, नोटबंदी, हर चीज़ तो बंदी ये कर दिया है, तो गरीबों के लिए रहना रहने दिया है कौन चीज़? हर जगह तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर चीज़ का खुला है, दारू नहीं बिक रहा है, गली गली दारू बिक रहा है, महंगाई मिल रहा है गरीबों आदमी को लिए हैं। शराब कह रहा है कि हम पूरे बिहार में हम बंदी किए हैं, लेकिन गली गली थाना के पीछे थाना के आगे बिक रहा है। लेकिन आपके अनुसार तेजस्वी यादव ही सीएम रहने चाहिए? हम मेरे अनुसार से एकदम 95% की उसी सरकार रहना चाहिए और उसी को हम लोग चाहते हैं और रहेगा ही। आपकी आपकी कोई उसको हटाने वाला नहीं है बिहार में, उसको जो है सो कोई नहीं हटाने वाला है। नीतीश कुमार जो है सो पिलर ले करके अपना झोड़ी बांध करके कुछ दूर ले चला जाए प्रधानमंत्री के, वो देखे नीचे बनने के लिए। तेजस्वी यादव के जो मैंने सबसे ज़्यादा है, नीतीश कुमार क्या कर रहा है अभी? कुछ बिहार में तो कुछ हुआ नहीं तो क्या कर सकता है? सबसे ज़्यादा मैंने हम लोग चाह रहे हैं तेजस्वी यादव के। आपके अनुसार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि वो अच्छा काम करेंगे? क्या क्या ऐसा कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बिहार का जो है सुस्वभाव उसके लिए सबके लिए अच्छा है। उसके बाद नीतीश कुमार है ऐसे अपना कुछ काम धंधा सही से न चल रहा है, दारू फारू तो अपना चल ही रहा है बिहार में, बोला है बंदी हो गया बंदी हो गया, कहाँ बंदी हुआ है? नहीं, गद्दी छोड़ देना चाहिए, गद्दी से तो उसका है हटाना चाहिए, गद्दी से हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए, तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए। हाँ, तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए। इससे आप सहमत है? सहमत है। मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को ही देखना चाहेंगे। क्यों? वो अच्छे हैं, वो काफ़ी टाइम से बिहार की स्थिति को देखभाल कर रहे हैं, लगभग 15 सालों से। नीतीश तेजस्वी युवा हैं पर अनुभव शायद थोड़ा, इसलिए नीतीश अच्छे हैं और शायद उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी अगले 24 या 25 में हम लोग देख सकते हैं। हमारे बिहार को रिप्रेजेंट एक प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे, हमारे गर्व की बात होगी कि हमारे बिहार को एक प्रधानमंत्री मिलेंगे। तो आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते? नहीं, वो हाँ नीतीश कुमार को या तो फिर तेजस्वी को ना सही तो फिर चिराग पासवान रिप्लेस करे तेजस्वी को, उन्हें भी एक और मौका मिलना चाहिए, वो भी अच्छे हैं, युवा हैं, हर जगह विजिट वो कर रहे हैं अच्छे। आप नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देनी चाहिए, सीएम के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? तो तेजस्वी यादव को देखना पसंद करेंगे। तेजस्वी यादव क्यों? ऐसा क्या है? क्योंकि काम कर रहे हैं अच्छा तेजस्वी यादव, क्योंकि नहीं बहुत दिन हो गए सत्ता में उनको रहते हुए, इसलिए उनको भी मौका भी मिलना चाहिए देखने के लिए। आपके अनुसार तेजस्वी यादव को मौका एक बार मिलना चाहिए? उनको एक भी मौका मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में उनको खाली मौका दिया जाए। तेजस्वी यादव को कार्यभार सौंप देने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, सपना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद? योगी आदित्यनाथ जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सत्ता हमें बहुत अच्छी लगी। वो 5 साल में जिस तरह उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किए हैं, वैसा कोई मुख्यमंत्री आज ले कंट्रोल नहीं कर पाया है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने जाकर वहाँ अनुभव किया है और बिहार को भी मैंने देखा है और जाकर अनुभव किया है, क्योंकि बिहार में कोई ऐसी हमारी सरकार नहीं आई है जो गरीब जनता या वर्ग पिछले वर्ग के लोग को आगे करके दिखाए।
नीतीश कुमार जी का हमें उनकी सत्ता से कोई मतलब नहीं है, मगर उनकी जो अल्टी पल्टी का खेल है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई 15 साल में 5 बार 7 बार मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है मैम, हमें वो चीज़ का तकलीफ है। आदित्यनाथ योगी जी मात्र 5 साल में उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर दिए, लेडीज़ को सुरक्षा दे दिए, वहाँ आज माताएं बहनें सब जाके वहाँ एकदम सुरक्षित है। हमने देखा है, हमने गुजरात में 5 साल ड्यूटी किया है, कंपनी में वर्क करता हूँ, आज भी मेरा वहाँ आरती इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी में हमारा वर्क है, हम एक फिटर का काम करते थे। हमने गुजरात मॉडल देखा है और महसूस किया है कि नहीं, गुजरात जैसा हमारा भी बिहार सरकार होए। इसलिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। नहीं देखना चाहते हैं हमें उनकी। आपको क्या लगता है कि वो काम नहीं कर पाएंगे? काम करें, सबको देखें, मगर उनकी जो ये चाल इधर का उधर का इधर का नहीं, उनकी तो पहला मेरा बात यह है कि उनकी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो जनता के प्रति जागरूकता नहीं होते, जो जनता के प्रति जागरूकता होते हैं उनकी हमें सत्ता में लाना चाहिए, हमें अपने लिए नहीं, पूरी पब्लिक को। 24 लाख 25 लाख की जनसंख्या है बिहार में, इससे तो कम नहीं है, और 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, वहाँ जाके देखिए, हमें वो चीज़ चाहिए। ओके मैम। तो जैसा आपने देखा, कुछ लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं खुशी, पटना।